राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अनीसाबाद पुलिस कॉलोनी के पास शुक्रवार को दोपहर में हथियारबंद लुटेरों ने जमकर तांडव किया। बाईपास फोरलेन से सटे भागवत कॉम्प्लेक्स में दो घंटे के भीतर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की दो बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पहली वारदात दिन में करीब 1:30 बजे महालक्ष्मी ज्वेलर्स में घटी, जहां से बदमाश 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट के ले गए। इस घटना के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे लूट की दूसरी वारदात सोना व ज्वेलरी लेकर लोन पर पैसा देने वाली फाइनेंस कंपनी IIFL के दफ्तर में हुई, जहां बदमाशों ने गार्ड, ग्राहक व कर्मियों को बंधक बनाकर करीब 20 मिनट में 8 किलो सोना लूट लिया। फाइनेंस दफ्तर में लूटे गए सोने की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लूटपाट के बाद दफ्तर के अंदर मौजूद 4 कर्मियों, 1 गार्ड व 3 ग्राहकों को बाथरूम के अंदर बंद कर बदमाश लूटे गए सोने को काले रंग के बैग में भरकर बाइक से इस मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। चारों से खगौल थाने में पूछताछ की जा रही है। वारदात में पेशेवर बदमाशों के साथ स्थानीय लुटेरे का हाथ होना भी माना जा रहा है। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अन्य ठिकानों पर भी दबिश दे रही है। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। भागवत कॉम्प्लेक्स में लगे कई CCTV कैमरों का DVR पुलिस अपने साथ जांच पड़ताल के लिए ले गई है। फाइनेंस दफ्तर के गार्ड नवीन कुमार के मुताबिक लूट की यह वारदात दोपहर करीब 3:30 बजे की है। ग्राहक बनकर सबसे पहले दो हट्टा कट्टा बदमाश दफ्तर पर पहुंचे, हैंड मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेने व आधार कार्ड देखकर दोनों को अंदर जाने दिया। करीब 10 मिनट बाद दो युवक लोन लेने की बात कहकर दफ्तर में घुसने लगे। चेक करने के लिए दोनों को गेट पर ही रोका। इस पर एक युवक ने अपना बैग और हेलमेट काउंटर के पास व कुछ समझ पाता कि दोनों बदमाश उसे मुक्के से मारने लगे और धकियाते हुए दफ्तर के अंदर ले गए। इसके बाद कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर बंधक बना दिया। दफ्तर के अंदर मौजूद मैनेजर धीरज समेत अन्य कर्मी व 3 ग्राहकों को बदमाश ने पहले से ही बंधक बना रखा था। बदमाश बार बार गोली मारने की धमकी दे रहे थे। लॉकर खोलकर बदमाश करीब 8 किलो सोना लूट लिए। बाद में सभी को बाथरूम में बंधक बनाकर बदमाश भाग गए। लूटपाट के वक्त दफ्तर के अंदर 3 ग्राहक मौजूद थे, जिनमें 2 महिलाएं व 1 पुरुष ग्राहक शामिल था। महिला ग्राहकों में बालमी चक से सिलाई कढ़ाई करने वाली महिला उर्मिला देवी भी लोन पर पैसा लेने आई थी। लूट की सूचना के बाद गर्दनीबाग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर बाद SSP डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो, FSL की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। SSP के निर्देश पर बदमाशों की तलाश के लिए कई इलाकों में घेरेबंदी भी की गई, पर लुटेरे पकड़े नहीं जा सके। SSP डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि फाइनेंस कर्मियों ने दफ्तर में 8 किलो सोना लूटने की बात बताई है। फाइनेंस दफ्तर के गार्ड व कर्मियों से पूछताछ की गई है। बदमाशों को चिन्हित करने के लिए फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।